आप सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ की जो फाउंडेशन बुक है एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स उसका जो चैप्टर सेकंड है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस उसकी जो एक्सरसाइज 2.2 हमारी रनिंग में उसका ये लेक्चर सिक्स्थ है। और इस लेक्चर सिक्स्थ में इस यूनिट नहीं है, ये चैप्टर है, इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, 15, 16 और 17, ये तीन क्वेश्चन बाकी है तो इनको देखते हैं। 15th क्वेश्चन सिंगल है, इसमें क्या बोल रखा है, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 4π/5 हो तब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी क्या आएगी, ठीक है। देखो यहां से x और y में एक रिलेशन आएगा, उसको पहले मैं लिख लेता हूं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपको दे रखा है 4π/5। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो आइडेंटिटी है उसको मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy और राइट साइड 4π/5, ठीक है। अब देखो अगर मान लो आपको cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की आइडेंटिटी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, इनको tan में कन्वर्ट कर लो। क्या लिखेंगे इसको, tan इनवर्स 1/x, इसको tan इनवर्स 1/y, इनका रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। ओके तो अब वहां पे आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, तो वो जो रिलेशन है वो भी कुछ ऐसा ही आएगा x और y में, ठीक है। तो मैं ये जो रिलेशन है ना ये वाला, इसको अगर कैलकुलेट करूं तो इस tan इनवर्स को हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं बहुत सारे tan अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो इधर तो ये टर्म हट जाएगी, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy बचेगा, और इधर हो जाएगा tan 4π/5, ठीक है। इसको थोड़ा तरीके से लिख लो, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इक्वल, क्या लिखे यहां से देखो, इसको लिख दिया मैंने tan पाई माइनस पाई बाई फाइव, लिख सकते हैं। अब देखो tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy और इधर नेगेटिव tan थीटा की जगह कौन है, पाई अपॉन फाइव, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया मैंने, ठीक है। हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ओके। तो अब देखो इसको मैं क्या लिखूं, नाउ कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई, इसको मैंने लिख दिया टेन इनवर्स में 1/x प्लस टेन इनवर्स 1/y। अब इसमें ये वाली आइडेंटिटी मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये बनेगा टेन इनवर्स x प्लस y, दिस प्लस दिस, 1/x प्लस 1/y अपॉन 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट 1/xy। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करने हैं, यहां पे एलसीएम xy आ रहा है, तो xy एलसीएम, यहां पे y और यहां पे x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम xy है और ये xy माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स, इसको मैंने लिख दिया x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और मेन डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एक्स वाई ऊपर आएगा और एक्स वाई माइनस 1 नीचे आएगा, तो यहां पे एक्स वाई तो कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1 आ रहा है, ये आ रहा है, और यहां पे हमारे पास वैल्यू किसकी, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy की है, ओके, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो एक्स वाई पॉजिटिव 1 नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला मिल जाएगा मेरे को, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट ना मान के यहां से माइनस साइन कॉमन लेके लिख रहा हूं, इसको माइनस साइन, ये मान लो कि मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1, और इधर का जो माइनस साइन है वो इस माइनस को एलिमिनेट करेगा, टेन पाई अपॉन 5 ये आएगा, ठीक है। तो अब यह बन गया टेन इनवर्स, और इसकी वैल्यू मैंने इक्वेशन फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। वो क्या है, टेन पाई अपॉन 5, टेन पाई अपॉन 5, ओके। तो पाई अपॉन 5 इस टेन के डोमेन से बिलोंग कर रहा है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू कहां से आई, तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आया यहां से x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई माइनस 1 की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है, ठीक है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, क्या बचेगा, पाई अपॉन 5 बचेगा। तो इसकी, इसका आंसर क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 5.5, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं 15th के बाद 16th क्वेश्चन को, उसमें
छः सात पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें क्या बोल रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। बहुत सी इक्वेशंस है, उसमें से पहला जो पार्ट है उसको हमने लिया है। तो ये कह रहा है कि इस इक्वेशन को सोल्व करो। सोल्व करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो अननोन वेरिएबल एक्स है ना उसको कैलकुलेट करना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो ये तो सीधा ही दिख रहा है आपको, आइडेंटिटी अप्लाई करनी है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की। तो करो अप्लाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, टेन एक्स अपॉन वन माइनस एक्स वाई, 24 एक्स स्क्वायर, राइट साइड पाई अपॉन 4। ओके, अब यहां से मैं टेन इनवर्स को हटाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बोथ साइड में 10 को अप्लाई करूंगा। जैसे मैं 10 अप्लाई करूंगा तो इधर तो ब्रैकेट वाली वैल्यू बचेगी, 10x अपॉन 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, और राइट साइड 10 अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 10 पाई बाई 4। ये है आपके पास 10x बाई 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, 10x इक्वल 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, इनको इधर ले आओ, 24 एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 1 इक्वल 0। फैक्टराइज करो, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म से कर लो, तो 24 एक्स स्क्वायर 6 4 10, लेकिन ये माइनस कर रहे हैं, 6 4 नहीं चलेगा, तो 12 माइनस 2 प्लस 10 और माइनस 24 सही है। ठीक है, 12 माइनस 2 प्लस 12x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, फर्स्ट टू लास्ट टू कॉमन लो, फर्स्ट टू में कॉमन क्या आ रहा है, 12x x प्लस 2 सॉरी 2x प्लस 1 माइनस साइन कॉमन लो, 2x प्लस 1 इक्वल 0। एक फैक्टर 2x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर 12x माइनस 1, ये आ रहे हैं। एक बार इसको जीरो कर दो, एक बार इसको जीरो कर दो, तो यहां से मिलेगा x इक्वल माइनस 1 बाई 2 पहले वाले से, और यहां से 1 बाई 12 प्लस का। ठीक है, क्या ये दोनों रिजल्ट हमको रखने चाहिए या दोनों में से कोई एक रखना चाहिए? ठीक है, चेक करते हैं। तो उसके लिए देखो, मैं पहले वाले को वेरीफाई कर रहा हूं, है ना। इतना करने के बाद ये रफ वर्क में मैं आपको करके बता रहा हूं, तो आप भी इसको एज ए रफ वर्क सोल्व करके और फिर देखिए जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को वो आपको वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो अगर मैं x इक्वल माइनस 1 बाई 2 की बात करूं, x इक्वल माइनस 1 बाई 2, तो क्या x इक्वल माइनस 1 बाई 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, गिवन इक्वेशन को? चेक करो, ये बनेगा टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स माइनस 3 इक्वल पाई बाई 4। चेक करते हैं, इसको सॉल्व करो तो पाई बाई 4 आना चाहिए, है ना। देखो, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, अब क्या करोगे, टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, इधर पाई बाई 4, और ये बन गया माइनस 5 अपॉन माइनस 5, कट गया 1, टेन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4 इक्वल आ गया, सही है, राइट, है ना, गलत। क्या करना पड़ेगा यहां पे, देखो अभी तक जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना उसमें इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं आई थी, पहले ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। तो अब एक चीज आप नोट डालो अच्छे से, अगर x लेस देन 0, चलो पॉजिटिव के लिए बता देता हूं पहले, अगर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो इनका प्रोडक्ट भी डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, और वो अगर x से बड़ा आ रहा है तो उस केस में tan इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की आइडेंटिटी क्या होगी, आप अप्लाई करते थे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन अगर ऐसा केस देखने को मिल रहा है x और y दोनों पॉजिटिव हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट एक से बड़ा आ रहा है, तो उस केस में इसमें हम पाई ऐड करते हैं, अच्छे से बेजे में डाल लेना। ठीक है, सेकंड एक ये, अगर x भी नेगेटिव हुआ y भी नेगेटिव हुआ तो इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव में भी अगर वो एक से बढ़ा रहे हैं, ये वाला केस सेम है, एक से बढ़ा रहे, तो उस केस में इस आइडेंटिटी को कैसे लिखा जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, क्या लिखा जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और माइनस कर देंगे पाई। अगर दोनों नेगेटिव हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट एक से बढ़ा रहे तो उस केस में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो आप अप्लाई करते हो उसमें माइनस पाई करोगे, और अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं और प्रोडक्ट एक से बढ़ा रहा है तो प्लस पाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो
ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये वाला केस है, ठीक है, दोनों नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट एक से बड़ा है क्या? माइनस टू और माइनस थ्री का प्रोडक्ट प्लस सिक्स ग्रेटर देन वन, ये केस बन रहा है। तो उस केस में इसकी जो आइडेंटिटी है वो ये तो हमने बना दी, लेकिन माइनस पाई नहीं किया हमने, ठीक है, तो इसमें माइनस पाई और करोगे, तो यहां पे लिखा मैंने माइनस पाई और इधर पाई बाई फोर। अब चेक करो क्या इसको सोल्व करने पे ये आएगा, ये क्या आ गया, टेन इनवर्स वन, ठीक है, माइनस करने के बाद, यानी पाई बाई फोर, पाई बाई फोर माइनस पाई, क्या पाई बाई फोर में से पाई को माइनस करोगे तो वापस से पाई बाई फोर आएगा? नहीं आएगा, ये जीरो थोड़ी है, कुछ और ही आएगा, माइनस थ्री पाई अपॉन फोर आएगा, ये इक्वल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब एक्स इक्वल माइनस वन बाई टू, एक्स इक्वल माइनस वन बाई टू इस इक्वेशन का रूट नहीं हो सकता, सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, फिर इसको चेक करेंगे, तो इसको भी चेक करो, इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये जो लेफ्ट पार्ट है ना वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, इसके इक्वल नहीं आ रहा, तो सीधा ही लिख लो एक्स इक्वल माइनस वन बाई टू इज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, ठीक है। और इसको भी चेक कर लो पहले, उसके बाद लिख देंगे, ये जो भी बताया मैंने रफ वर्क बताया, ठीक है, ये आप कहीं पे नोट कर लेना और ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ओके। तो इस वाले पे आ जाओ, वन बाई ट्वेल्व पे, अगर मैं वन बाई ट्वेल्व यहां पे पुट करूं तो ये बनेगा टेन इनवर्स फोर अपॉन ट्वेल्व वन बाई थ्री प्लस टेन इनवर्स सिक्स इंटू वन बाई ट्वेल्व वन बाई टू, ठीक है, इसको सोल्व करो, पाई बाई फोर आना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई दोनों को ऐड करो तो वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन टू एलसीएम सिक्स, थ्री टू जा टू, टू थ्री जा थ्री, फाइव पॉइंट सिक्स, और मेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे क्या आएगा, वन माइनस दोनों का प्रोडक्ट, तो इसका एलसीएम लेकर सोल्व करो, सिक्स सिक्स माइनस वन फाइव पॉइंट सिक्स आ रहा है, तो सिक्स अपॉन फाइव हो जाएगा, आ गया वन, ठीक है। कौन सी कंडीशन देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, एक्स वाई का प्रोडक्ट एक से बड़ा आ रहा है क्या, एक्स और वाई का प्रोडक्ट वन बाई सिक्स आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट वन बाई सिक्स, एक से बड़ा नहीं है, तो हमारी बस इतनी आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है, उसमें प्लस माइनस माइनस पाई का कोई रोल नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का, दोनों पॉजिटिव है, ये वाला केस है, ये वाला नहीं है, और उसमें भी क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, एक से बड़ा आ रहा है क्या, वन बाई थ्री इंटू वन बाई टू वन बाई सिक्स, एक से छोटा है, बड़ा नहीं है, है ना, तो बस इतनी सी आइडेंटिटी रहेगी, ठीक है। और ये क्या आ रही है, ये वन आ गया कटपिट के, टेन इनवर्स वन, इसका मतलब पाई बाई फोर, तो ये हमारा आंसर होगा, x इक्वल वन बाई ट्वेल्व इस इक्वेशन का आंसर होगा, ठीक है। तो अब आपको लिखना क्या है, ये सब रफ करना है और ये नहीं लिखना, आपको इतना करने के बाद आपको लिखना है x इक्वल, सिंस x इक्वल माइनस वन बाई टू इज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर x इक्वल वन बाई टू इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ओके। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं, तो अब देखते हैं सेकेंड पार्ट को, इसमें एक टेन में और एक कोटिनूर्स में है, तो इसको 10 में कन्वर्ट कर लो पहले, ठीक है, 10 इनवर्स x प्लस 2 इंटू क्या लिखें, 10 इनवर्स 1 बाई एक्स इक्वल 2 पाई अपॉन 3, ठीक है, 10 इनवर्स x प्लस ये बन गया 2 10 इनवर्स x फॉर्मेट, है ना, तो अब इसकी आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्या होगी, 10 इनवर्स 2x दैट इज 2 बाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल 2 पाई अपॉन 3, ठीक है, इसको तमीज से लिखो, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स देखो 2 बाई एक्स और एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 नीचे, x कैंसिल हो गया, ये आया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ओके, इक्वल 2 पाई अपॉन 3। ऐसा करो, यहां से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लू तो 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मेट देखने को मिल रहा है, और वो आइडेंटिटी है किसकी, 2 10 इनवर्स x की है, ठीक है, तो क्यों ना मैं माइनस साइन कॉमन ले लू इससे, वरना आप ये यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y फॉर्मेट से,
उसमें कैलकुलेशन लेंथ ही हो जाएगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को पता है कि ऐसी कुछ आइडेंटिटी है, लेकिन उसमें नीचे जो है ना यहाँ पे लोचा है, अगर मैं माइनस साइन यहां से कॉमन ले लूं तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वो आइडेंटिटी में होता है, ठीक है। तो मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं और वो माइनस क्या बनेगा, देखो टेन इनवर्स माइनस एक्स फॉर्मेट आ रहा है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, इसको मैंने एक्स मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, यानी माइनस साइन बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहां पे माइनस वो अटैक करेगा, जो कॉमन लोगे वो यहां पे अटैक करेगा, ठीक है। तो प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे और इसको लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और राइट साइड टू पाई बाई थ्री, ओके टेन इनवर्स एक्स। अब देखो ये क्या बन गया, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर वो होता है टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर ये तो बनाया था ना यहाँ पे, ठीक है। तो इधर क्या है उसको लिखो टू पाई अपॉन थ्री, टेन इनवर्स एक्स कितने टाइम, माइनस वन टाइम, यानी माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, या फिर माइनस सॉरी टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लो तो वन माइनस टू माइनस वन, ओके इक्वल टू पाई अपॉन थ्री, ये आ गया। माइनस साइन को इधर भेज दो, टेन इनवर्स एक्स इक्वल माइनस टू पाई अपॉन थ्री, बोथ साइड टेन अप्लाई करो ताकि यहां से एक्स मिले आपको, एक्स इक्वल टेन इनवर्स सॉरी टेन टेन माइनस टू पाई अपॉन थ्री, एक्स इक्वल टेन, इसको लिखा मैंने माइनस का रहे, ऐसा करो माइनस साइन बार ले लो, ठीक है। टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा, तो माइनस टेन और ये जो एंगल वो टू पाई अपॉन थ्री, एक्स इक्वल माइनस टेन और इसको मैंने लिख दिया पाई माइनस पाई अपॉन थ्री, ठीक है। एक्स इक्वल माइनस, अब देखो टेन पाई माइनस टेन थीटा और वो माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा टेन थीटा, थीटा दैट इज पाई बाई थ्री, तो एक्स इक्वल टेन पाई बाई थ्री क्या होता है, अंडर रूट थ्री आंसर, ठीक है। थर्ड को देखते हैं आप, तो थर्ड पार्ट इसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी अप्लाई कर लो, ठीक है, और तो कोई चारा है नहीं यहाँ पे। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, दोनों का प्रोडक्ट, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे नीचे, ठीक है। नीचे एलसीएम क्या रहा है, इधर लिखो पाई अपॉन फोर। मैं क्या कर रहा हूं, टेन इनवर्स को हटाने के लिए बोथ साइड टेन अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो इधर तो ये वैल्यू बचेगी और इधर टेन पाई बाई फोर हो जाएगा और ऊपर एलसीएम आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मेट है ना, तो ऊपर लिखा मैंने, चलो पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूं एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, माइनस टू कैंसिल हो गया, प्लस टू वाले इससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू, फिर प्लस एक्स प्लस वन के साथ एक्स माइनस टू, ठीक है। और नीचे डेनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस फोर, माइनस साइन दोनों को मल्टीप्लाई कर गया तो साइन चेंज हो गया, ठीक है। और इधर टेन पाई अपॉन फोर, ये वाला सेम है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करो, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और माइनस एक्स माइनस टू, माइनस एक्स माइनस टू, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू और डिनोमिनेटर में ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया माइनस थ्री इक्वल टेन पाई बाई फोर वन हो गया। यहां से कोई टर्म कैंसिल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, टू एक्स कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया टू एक्स स्क्वायर और माइनस टू माइनस फोर, तो टू कॉमन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस टू और नीचे जो माइनस थ्री था उसको मैंने इधर ट्रांसफर किया, ठीक है। ये बन गया टू एक्स स्क्वायर और ये माइनस फोर इधर आएगा तो प्लस फोर, तो वन हो गया, एक्स इक्वल प्लस माइनस वन बाई रूट टू, ये आ रहा है, ठीक है। तो चेक करो प्लस का रखे या माइनस का रखे या दोनों को रखे, ठीक है। अगर मैं प्लस की वैल्यू ले रहा हूं वन अपॉन रूट टू, ये रफर क्या है आपका, एक्स इक्वल वन अपॉन रूट टू, तो इस पे चेक करो,
जैसे मैं x इक्वल 1 अपॉन रूट 2 यहां पे पुट करूंगा तो पहले क्वांटिटी क्या आएगी, देखो tan इनवर्स x माइनस 1 यानी 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 और नीचे 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2, ठीक है, और ये tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 और ये 1 अपॉन रूट 2 प्लस 2 ये आ रहा है। इसको आप सॉल्व करोगे 0 पॉइंट समथिंग माइनस 1 नेगेटिव और ये 1 बाई रूट 2 और माइनस 2 नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी, ये ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, यानी tan इनवर्स अगर मैं इसको x और इसको y बोल दूं, ठीक है, सॉल्व ओके, कोई ना कोई नंबर तो आएगा ना, तो इसको अगर मैं x और इसको अगर मैं y बोल दूं तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको चेक करना है, ठीक है। जैसे मैं इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करूंगा तो क्या आएगा, देखो 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 इनका मल्टीप्लाई हमने किया था ना, कोई बात नहीं कर लो, अपॉन 1 अपॉन रूट 2 माइनस 2 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 1 अपॉन रूट 2 प्लस 2, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हम चेक कर रहे हैं, तो ऊपर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 बाई 2 माइनस 1 और नीचे 1 बाई 2 माइनस 4, ये कितना नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव और आएगा कितना माइनस 1 बाई 2 और नीचे कितना आएगा 1 माइनस 8 माइनस 7 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल 1 बाई 7, लेस देन 1 है, अगर ग्रेटर देन 1 होता तो पाई प्लस या माइनस करने की सोचते हम, ठीक है, तो इसके लिए ये ट्रू होगी, मतलब ये जो आइडेंटिटी है ना ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है, सिंपल जो आइडेंटिटी हम अप्लाई करते हैं उसी से चेक कर लेंगे, ठीक है, तो इसी से चेक करेंगे तो ये तो सेटिस्फाई करेगा ही क्योंकि इसी से तो हमने ये सब सोल्व किया है, तो x इक्वल 1 अपॉन रूट 2 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर मैं x इक्वल माइनस 1 अपॉन रूट 2 लेके चेक करूं तो क्या आएगा, देखो माइनस 1 अपॉन रूट 2 पुट करो तो ये नेगेटिव पूरा भाई, माइनस 1 नेगेटिव है मतलब 1 नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है और यहां पे क्या मिलेगा, देखो 1 अपॉन रूट 2 नेगेटिव ले रहे हो आप जो कि 1 से कम है, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटा है ना 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, और छोटी क्वांटिटी नेगेटिव की आप ले रहे हो, बड़े वाला पॉजिटिव है तो ऊपर आ गया प्लस का नीचे भी प्लस का आ गया, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा इस टाइप से, ये नेगेटिव नेगेटिव कॉमन आ गया पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, जो भी आएगा प्लस का आएगा यही आएगा 1 बाई 7, ठीक है, तो ये कौन सा केस है, इनका प्रोडक्ट एक से बड़ा थोड़ी ना आ रहा है, अगर एक से बड़ा आता तो हम चेक करते पाई प्लस करे या माइनस करे इस टाइप से, ठीक है, अगर ये दोनों नेगेटिव होती तो सेकंड वाला केस बन जाता और पॉजिटिव होती तो फर्स्ट वाला केस, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, ठीक है, तो इसमें तो ऐसा कोई रिस्क है नहीं हमारे पास, है ना, पाई प्लस या माइनस करने वाला सिस्टम नहीं है, तो एक्स की ये दोनों वैल्यू ही सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, ये हम लिखेंगे, लिखेंगे क्या यहाँ पे बताई दिया, अगर कोई एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करती मतलब उन दोनों कंडीशन से हम देखते तो उसको अलग से लिख देते जैसे कि पिछले पार्ट में किया था, ठीक है, तो अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, फोर्थ पार्ट में 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अप्लाई कर लो, इधर भी tan इनवर्स है दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, और इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2 tan इनवर्स x क्या है, tan इनवर्स 2x यानी 2 cos x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, और ये एज इट इज लिखो tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है, बोथ साइड जब मैं tan अप्लाई करूंगा तो ये दोनों हट जाएंगे, tan इनवर्स दोनों हट जाएंगे, ठीक है, क्या बचेगा 2 cos x और 1 माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर x, और इसको मैंने लिख दिया 2 अपॉन sin x, cosec x को 1 बाई sin x, ये 2 कैंसिल हो गया, एक sin कैंसिल हो गया, ठीक है, इधर पूरा 1, तो cos x इक्वल sin x, इसका मतलब tan x इक्वल 1, cos x से डिवाइड कर दिया, ठीक है, tan x इक्वल 1 है इसका मतलब x इक्वल पाई बाई 4 आंसर, ठीक है। अब देखते हैं जो फिफ्थ पार्ट है इसको, अब ये जो फिफ्थ पार्ट है इसमें लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में कोई ऐसी टर्म दिख नहीं रही जिसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर सके, ठीक है, तो ऐसा ये क्वेश्चन पहले भी किया था लेक्चर फोर्थ में किया था शायद, फोर्थ में किया था कि उसमें इधर राइट साइड 1 बाई 2 cos इनवर्स आ रहा था, इधर tan इनवर्स था, तो इस 2 को इधर लेके आए थे ताकि 2 tan इनवर्स x की आइडेंटिटी अप्लाई कर सके, ठीक है, तो ऐसा ही हम यहां पे करेंगे, इस 2 को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, और चलो सब्स्टिट्यूशन
छोड़ो यहाँ पे, डिफ्रेंसिएशन में सीख लेना वो, ठीक है, इसी से करो। ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स, ओके, टू को इधर ट्रांसफर किया, ये बनेगा टू टेन इनवर्स एक्स, है ना, इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगा, टेन इनवर्स टू एक्स, इसको टू से मल्टीप्लाई करना है, तो टू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स अपॉन, ये अभी तो मैंने क्या लिखा है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड क्या है, टेन इनवर्स एक्स, बोथ साइड में टेन अप्लाई करूंगा तो ये दोनों टेन इनवर्स एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट साइड एक्स बचेगा और लेफ्ट साइड जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, तो ये बन गया टू इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, और मेन डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो कब, जब नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा तब, ठीक है, तो नीचे क्या है, वन प्लस एक्स होल स्क्वायर एलसीएम आ रहा है, ठीक है, वो तो ऊपर आ जाएगा वन प्लस एक्स होल स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा, वन प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स होल स्क्वायर, वन प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स होल स्क्वायर, और इधर एक्स बचा केवल, ठीक है, तो वन प्लस एक्स वन टाइम कैंसिल हो गया, ठीक है, और यहां से टू इंटू वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इसमें इसको एड करो तो एक्स कैंसिल टू आया, इंटू ए माइनस बी इसमें माइनस कर दो इस ब्रैकेट को, तो वन प्लस एक्स माइनस वन और प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये टू एक्स हो गया, वन कैंसिल हो गया, टू एक्स इक्वल एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ओके, ये टू कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल वन, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल वन बाई थ्री, तो एक्स आ गया प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट थ्री। अब इन दोनों को ले या इनमें से किसी एक क्वांटिटी को रखना है, तो उसके लिए रफ वर्क में इसको चेक कर लो। देखो, अगर मैं पहले x इक्वल माइनस वन अपॉन रूट थ्री के लिए चेक करूं, तो क्या x इक्वल माइनस वन अपॉन रूट थ्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, देखते हैं। टेन इनवर्स वन माइनस वन अपॉन रूट थ्री, माइनस का ले रहे तो प्लस हो जाएगा, और नीचे वन प्लस वन अपॉन रूट थ्री, ये एक्स की वैल्यू माइनस है तो माइनस, और इधर वन बाई टू टेन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ये आ रहा है, ठीक है, सोल्व करो, टेन इनवर्स तो ये बनेगा रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री माइनस वन, एलसीएम इनका कैंसिल हो गया, और ये वन बाई टू माइनस बारह जाएगा, टेन इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है, टेन इनवर्स रेशनलाइज कर लो, रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री, रूट थ्री प्लस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू, ये आ रहा है, और यहां पे माइनस वन अपॉन टू, और ये पाई अपॉन सिक्स थर्टी होता है, माइनस पाई अपॉन ट्वेल्व आ रहा है, ये नेगेटिव आएगा नहीं, है ना, कैसे कह सकते हो ऐसे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी ध्यान नहीं है, तो क्या करें, चेंज करना पड़ेगा, इससे मत करो फिर, देखो यहां पे आ जाओ वापस, टेन इनवर्स इसको मैंने बोल दिया टेन पाई बाई फोर, इसको मैंने बोल दिया टेन पाई बाई सिक्स, वन माइनस यहां पे मैंने वन मल्टीप्लाई कर दिया, वन माइनस वन को लिखा मैंने टेन पाई बाई फोर, और ये टेन पाई बाई सिक्स, टेन इनवर्स, और राइट साइड क्या है, राइट साइड देखो, राइट साइड तो ये आएगा माइनस पाई अपॉन ट्वेल्व, ये तो सोल्व हो चुका, माइनस पाई अपॉन ट्वेल्व, इसको सोल्व करो, ये बन गया टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी, ऊपर प्लस है तो टेन ए प्लस बी, यानी टेन पाई बाई फोर प्लस पाई बाई सिक्स, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो टेन इनवर्स से टेन हटेगा, सोल्व करोगे तो क्या प्लस का आएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू हमको नहीं लेनी है, ठीक है, ओके, तो दूसरी को चेक करो, तो दूसरी को चेक करने के लिए प्लस की लोगे ना, तो ऊपर तो माइनस आएगा, नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहां पे तो प्लस हो जाएगा और यहां पे माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस और यहां पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, ठीक है, ये माइनस हटाओ, और यहां पे क्या बनेगा, देखो
यहां पे माइनस यहां पे प्लस, लेकिन इसको हम चेक नहीं कर रहे, इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव करो, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, ऊपर माइनस था, ये माइनस, यहां पे प्लस है, प्लस। अब ये बन गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए माइनस बी, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल क्या है, पाई अपॉन ट्वेल्व, तो चेक करो ये तो कैंसिल हो गया, और यहां पे इनको सोल्व करो, पाई अपॉन ट्वेल्व आ रहा है क्या, एलसीएम ट्वेल्व, तो फोर थ्री जा थ्री पाई, सिक्स टू जा टू पाई, सोल्व करो पाई अपॉन ट्वेल्व, वही आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल वन अपॉन रूट थ्री इसका सॉल्यूशन होगा, ना कि माइनस वन अपॉन रूट थ्री। माइनस वन अपॉन रूट थ्री क्यों नहीं है, क्योंकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये पाई अपॉन ट्वेल्व की या पाई अपॉन एटीन, जब आप आगे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो वहां पे ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोड मत लो। तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मेरे को पता है, टेन के फॉर्मेट में ये टेन फोर्टी फाइव है और ये टेन थर्टी है, ठीक है। तो इसको मैंने 45 और इसको 30 फॉर्मेट में लिख दिया, 10 में, ओके। और ये खुद एक आइडेंटिटी बन गई है ना। तो इस आइडेंटिटी से जो 10 आएगा वो इसको एलिमिनेट करेगा, जो बचेगा क्या वो इसके इक्वल आ रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, इक्वल नहीं है तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपको इसके बाद क्या लिखना है, ये नहीं करना, इसके बाद आपको लिखना है, सिंस एक्स इक्वल माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज नॉट सेटिस्फाई the given equation, therefore इसके नीचे लिखोगे therefore x equal 1 upon root 3 is required solution, ठीक है, okay। अब जो इसका last part है 6th, उसको देखते हैं। तो 6th part में ये tan inverse में ये quote में क्या कर रहा है, इसको भी tan में convert करो, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिखा मैंने tan इनवर्स में, तो इसका रेसिप्रोकल 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम क्वांटिटी आ रही है, तो ये बन गया 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर पाई अपॉन 3, ठीक है, ओके। देखो 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x पाई अपॉन 3, ठीक है। ये बन गया 4 tan इनवर्स x पाई अपॉन 3, ठीक है। tan इनवर्स x इक्वल पाई अपॉन 12, वापस से वही वैल्यू आ रही है, x इक्वल 10 पाई अपॉन 12, 10 पाई अपॉन 12। अब 10 पाई अपॉन 12 की वैल्यू क्या होती है बताओ, पता नहीं, तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, आंसर रट के थोड़ी जाओगे, तो ये भी ठीक है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको भी हम निकालना चाहेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकले इसकी, 10 पाई अपॉन 12 की, तो पाई अपॉन 12 का मतलब क्या है, देखो पाई 180 और 12 ही है, ठीक है, इसको सोल्व करो, 12 कट जाएगा, 12 एकम 12 और 6, 12 पंच 60 15 है, क्या है 15 है ना। तो या तो आप यहां पे छोड़ दो या फिर इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो अब आएगी ना उसको लिखना, ठीक है। ये आई कैसे वो मैं बता रहा हूं, देखो 10 पाई अपॉन 12 इसको लिखा मैंने 10, अगर इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट करूं तो क्या आ रहा है, 15 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने 10, 45 माइनस 30 15 ही आएगा, ये बन गया 10 a माइनस b या 10 x माइनस y, वो क्या होता है 10 x माइनस 10 y, 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 x 10 y, यानी 10 45 10 30। अब इसको सोल्व कर लो, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3, पिछले वाला ये 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3, तो ये बनेगा रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, ठीक है। एलसीएम जो था रूट 3 वो कैंसिल हो गया, चाहो तो आप इसको रेशलाइज कर लो, तो रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया रेशलाइज करने के लिए, तो ऊपर बन गया रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्सपेंड करो उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 रूट 3, और नीचे ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2, ठीक है। ऊपर 4 माइनस 2 रूट 3 और नीचे 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, इसको कैंसिल कर दो, तो 2 माइनस रूट 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 माइनस रूट 3, ठीक है, इसका सॉल्यूशन हो गया, ओके।
टू माइनस रूट थ्री, हाँ यहाँ पे लिख दिया ना, या तो आप यहाँ पे छोड़ देना ठीक है, और पूरा लिखो, ये लिखो तो मैंने आपको बता दिया कैसे, ये आप देख लो ये कितने डिग्री है, कितना है 15 है ना, तो वो दो वैल्यू जिनका डिफरेंस 15 हो, और वो दो वैल्यू जो आपको पता होती है, जैसे 30 है, 45 है, 45 है, 60 है ना, तो उनमें 15 का डिफरेंस है, तो 15 बनाने के लिए मैंने 45 माइनस 30 कर दिया, इन दोनों की वैल्यू हमको पता है 10 में, ठीक है, 10a माइनस b की आइडेंटिटी अप्लाई की, 10a माइनस 10b अपॉन, सॉरी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b करके, ठीक है, इनको सोल्व किया, रिजल्ट आ गया, ओके, अब देखते हैं लास्ट जो क्वेश्चन है 17 उसको, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x, तो आइडेंटिटी अप्लाई कर ले, और तो कोई तरीका है नहीं इसका, ठीक है, और कैलकुलेशन इसमें थोड़ी लेंथी रहेगी तो सावधानी से करना है, देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर, यानी x रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इधर पाई अपॉन 3, बोथ साइड साइन अप्लाई करो, तो यहां से तो x रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और इधर साइन पाई बाई 3, यानी साइन 60 रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2x और रूट वाले दोनों, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो साथ के साथ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, और माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 4x की पावर 4, ठीक है, और इधर रूट 3 अपॉन 2 उसका स्क्वायर 3 अपॉन 4, इनको सोल्व करो, x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 5x स्क्वायर, माइनस 4x की पावर 4, और माइनस 4x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 4, ठीक है, और प्लस 4x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4 इक्वल 3 अपॉन 4 आ गया, इनको मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूं ताकि रूट वाली टर्म सिंगल बचे, उसका मैं फिर से स्क्वायर करूं तो रूट हट जाए, रूट हटेगा तब भी x कैलकुलेट होगा, इन दोनों को ट्रांसफर कर दो, तो इधर बचेगा 4x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x 4 3 बाई 4, ये इधर आएगा तो साइन चेंज, 8x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, सॉरी 8x की 4, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके, अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो ये बनेगा 16x की पावर 4, और ये रूट हट गया 1 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x की पावर 4, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की तरह इसको सोल्व करो, a स्क्वायर 9 अपॉन 16 प्लस इसका स्क्वायर 64 x की पावर 8 प्लस इसका स्क्वायर 25 x की पावर 4, फिर प्लस 2ab, तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 2 जा 2 3 जा 6 इंटू 2 12 प्लस 12 x की पावर 4, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो माइनस और 8 45 80 x की पावर 6, फिर इसका इसके साथ माइनस, तो 2 से भी करोगे तो 2 बचेगा 15 अपॉन 2 और x की पावर 2, ये आएगा, अब इसको अंदर करो, तो 16 x की पावर 4 माइनस 80 x की पावर 6 प्लस 64 x की पावर 8, इधर क्या है देखो 9 अपॉन 16, ठीक है, नाइन अपॉन 16, ओके, और माइनस 15 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर पावर 4 के देखो 25 और 12 37 एक्स 4 6 पावर का 80 एक्स की पावर 6 और 8 पावर वाला 64 एक्स की पावर 8, 64 एक्स की पावर 8 इससे कैंसिल हो गया, माइनस 80 एक्स 6 इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, एक्स की पावर 4 ऐसा करो इसको इधर ले आओ, ठीक है, तो 37 में से 16 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 21
21 x की पावर 4 ठीक है, और ये टर्म दोनों माइनस 15 बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल 0। 16 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 16 एकम 16 और कैरी 1 33 एक्स की पावर 4, 16 से करोगे तो 2 8 15 8 120 120 प्लस 9 इक्वल 0। 6 3 9 3 12, 3 से कैंसिल कर दो इसको, छोटा हो जाएगा तो ये बनेगा 112 43 ठीक है, ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर को वाई लेट कर लो ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल वाई, तो वाई में क्वाड्रेटिक बन जाएगा 112 वाई की पावर 2, वाई क्या है एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4 और ये 40 वाई प्लस 3 इक्वल 0। अब इसको सोल्व कर लो तो क्या बनेगा देखो, y इक्वल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, माइनस बी तो प्लस 40 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 4 इंटू 112 इंटू 3 ठीक है, तो ये आएगा 4 4 8 3 8 24 2 14 1 13 1344 अपॉन 2a 224 ये आ गया। कैलकुलेशन इसमें लेंथी है लेकिन टिपिकल नहीं है, y इक्वल 40 प्लस माइनस माइनस करो इसको 1600 उसमें से 1344 56 और ये कितना बचा 15 में से 13 घटाओ 256 यानी 16 का स्क्वायर है तो 16 आ गया और नीचे 224 ठीक है, तो y की दो वैल्यू आ रही है, एक बार प्लस 16 करो तो कितना आएगा 16 करो तो प्लस 16 करेंगे तो 40 56 56 अपॉन 224 और एक बार माइनस करो तो 40 माइनस 16 कितना 24 224 सिंप्लीफाई करो, 8 से कट रहे ना, 4 से तो कट रहे 8 से इसको देखो 8 दून 16 हाँ कट रहे 8 सात 56 और 8 दून 16 कितना बचा 6 64 88 64 अच्छा 1/4 आ गया, मतलब ये 1/4 और यहां से 8 से काटो 8 ये 24 और 8 से काटे तो कितना 56 आया था ना, अरे 56 कहां आएगा 8 दून 16 और 6 88 24 3/28 ये आ रहा है ठीक है। अब ये y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो देखो when y equal 1/4 then x equal 1/4 यहां पे पुट करोगे तो x क्या आएगा अंडर रूट 1/4 यानी प्लस माइनस 1/2 ठीक है ओके। तो पहले इनको चेक कर लो क्या ये वैल्यू हम ले सकते हैं या फिर निकाल लो पहले, when y equal 3/28 then x इक्वल y की वैल्यू 3/28 कर रहा हूं मैं ठीक है, तो 3/28 पे रूट हो जाएगा 3/28 इसके हटाओगे तो रूट और इसको लिखा मैंने 28 को 4 7 28 तो 4 7 2 रूट 7 रूट 7 को रेसलाइज करवा दो तो ये बनेगा 3 रूट 7 और नीचे 2 इंटू 7 ठीक है, या फिर ऐसे ही लिखो इसको 3/2√7 रेसलाइज मत करो ओके। देखो अब अगर मैं x की वैल्यू प्लस 1/2 चार वैल्यू आ रही है हमारे पास ये प्लस माइनस में आएगा प्लस 1/2 लू तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है माइनस 1/2 लू तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है प्लस 3/2√7 लू तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है और ऐसे माइनस के लिए, तो अगर मैं प्लस 1/2 पुट करूं यहां पे तो ये बनेगा 1/2 है ना साइन इनवर्स 1/2 यानी साइन में 1/2 कितने पे आता है साइन में 1/2 30 पे आता है और यहां पे पुट करोगे तो k
कैंसिल वन, साइन में वन कितने पे, नब्बे पे, नब्बे और तेईस जोड़ो क्या साठ आ जाएगा, सिक्सटी, कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो वन बाई टू पे तो नहीं हुआ, प्लस वन बाई टू नहीं लेंगे। और माइनस वन बाई टू पे चेक करो, तो ये माइनस का माइनस साइन कॉमन, ठीक है, बार माइनस आ गया, लेकिन ये प्लस है, ये जो भी वैल्यू आएगी, मान लो पाई बाई थ्री भी आ गया, तो ये माइनस का रहा है और ये प्लस का, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये केस तो आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, इस पे अगर मैं माइनस की वैल्यू लूं, माइनस थ्री अपॉइंट टू रूट सेवन, तो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस साइन कॉमन आ गया, लेकिन इधर पॉजिटिव है, तो माइनस का तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो प्लस वाले पे आना चाहिए, तो थ्री अपॉइंट टू रूट सेवन पे चेक करो, साइन इनवर्स थ्री अपॉइंट टू रूट सेवन, और ये बनेगा टू से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, साइन इनवर्स थ्री अपॉइंट टू रूट सेवन और साइन इनवर्स थ्री अपॉइंट रूट सेवन, ये टू करने के बाद साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी अप्लाई करो, तो ये बनेगा, लेकिन ये सॉल्यूशन इसी से तो आया ना, वापस से बनेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, करवा के देखना आप, ये दोनों प्लस के आ रहे, बस हमको यही लोचा लग रहा था कि कभी ये माइनस का ना हो जाए, अपोजिट साइन आ जाए, ठीक है, वो तो इनमें आ रहे हैं, इसमें आ रहा है और इसके नेगेटिव वाले में आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो सेटिस्फाई आएगा, आपके सेटिस्फिकेशन के लिए मैं करवा भी देता हूं। तो ये बनेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, वो होगा साइन इनवर्स एक्स रूट वन, ये वाली आइडेंटिटी, एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर वाली, तो एक्स यानी थ्री अपॉन टू रूट सेवन रूट वन माइनस इसका स्क्वायर थ्री अपॉन सॉरी नाइन अपॉन सेवन थ्री अपॉन टू रूट सेवन एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, वाई है हमारे पास टू रूट सेवन, गड़बड़ आ रही है, ये तो ये गड़बड़ क्यों आ रही है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, सेवन माइनस नाइन माइनस का रहा है ना, इसका मतलब मिस्टेक किया हमने यहाँ पे, इसमें ये तीन छोटा आना चाहिए, पूरा तीन नहीं आना चाहिए। तो वाई की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट की ना, और इसका रूट क्या था, तो रूट तीन पे भी तो आएगा, उसको बोल रहे हैं, ये रूट तीन आएगा, क्या आएगा, रूट तीन, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल थ्री अपॉन ट्वेंटी एट, तो एक्स इक्वल अंडर रूट थ्री अपॉन ट्वेंटी एट, तो अंडर रूट थ्री अपॉन टू रूट सेवन, तो ये आएगा रूट थ्री और आएगा, ठीक है, तो रूट थ्री आएगा, अब ये सोल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे थ्री बनेगा, ओके, देखो तो ये लिखा एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, वाई कौन है, सोल्व होने के बाद क्या आया था, सोल्व होने के बाद ये वाला वाई रूट वन माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा नाइन अपॉन और सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस माइनस नौ, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो साइन इनवर्स में बार कौन है, साइन इनवर्स है, ये मान के चलना, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास कंप्लीट सोल्व होने के बाद रूट थ्री अपॉन टू, चेक करो, सेवन माइनस थ्री फोर, रूट फोर टू, टू इससे कैंसिल हो गया, रूट सेवन सेवन, ठीक है, क्या आया थ्री अपॉन सेवन, प्लस यहां पे क्या मिलेगा, देखो ट्वेंटी एट माइनस नाइन ट्वेंटी वन रूट के अंदर, तो सेवन थ्री जा और नीचे ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट को टू रूट सेवन लिखा, ठीक है, फिर से देखो थ्री अपॉन रूट सेवन इंटू ये बन गया 28 माइनस नाइन, ओहो 28 माइनस नाइन 21 थोड़ी होते हैं, ये है 1 माइनस नाइन अपॉन 28, 28 माइनस नौ 19 आ रहा है, 7 माइनस तीन 4 आ रहे हैं, ये तीन नहीं रूट तीन था ना, ये क्या था रूट थ्री, क्या था ये रूट थ्री था, ठीक है, तो और यहां भी रूट थ्री था, फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, दिमाग खराब हो गया, आएगा यही, लेकिन करके देखो इसको, इसको मैं रफ कर रहा हूं इस वाले पोर्शन को, ठीक है, इस पे तीन तो कैंसिल हो चुके, एक रिजल्ट बचा है उसी पे हम चेक कर रहे हैं, एक्स इक्वल थ्री अपॉन टू रूट सेवन, और ये जो थ्री है ये भी रूट के अंदर है, ठीक है, तो ये बनेगा साइन इनवर्स, इसमें अप्लाई करो एक्स मतलब ये रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, इसको लिख देता हूं मैं यहां पे, साइन इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू रूट सेवन प्लस साइन इनवर्स टू कट गया
रूट थ्री अपॉन रूट सेवन, तो पूरे पे रूट लगा दिया, ठीक है। एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर थ्री अपॉन सेवन, प्लस वाई रूट वन माइनस इसका स्क्वायर, तो थ्री अपॉन फोर इंटू सेवन, इसको सोल्व कर लो, ये वन बाई टू, ये रूट थ्री बाई टू आएगा, तो हटाओ इसको, इसको सोल्व करके देख रहे हैं, ठीक है। रूट थ्री अपॉन टू रूट सेवन, और ये बन गया नीचे रूट सेवन और ऊपर सेवन माइनस थ्री फोर, बारह आएगा टू, प्लस थ्री अपॉन सेवन, दोनों रूट के हैं, और ये ट्वेंटी एट माइनस थ्री ट्वेंटी फाइव, बारह आएगा तो फाइव, और नीचे अट्ठाईस माइनस तीन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू रूट सेवन, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, नीचे ऊपर रूट थ्री और नीचे सेवन, और यहां पे फाइव रूट थ्री और नीचे टू रूट सेवन, टू इंटू सेवन फोर्टीन, ये आ रहा है एलसीएम, फोर्टीन सेवन टू जा टू रूट थ्री प्लस फाइव रूट थ्री और नीचे फोर्टीन है, तो ऊपर हो गया सेवन रूट थ्री और नीचे फोर्टीन, कट गया टू टाइम रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। आना वही था, लेकिन बस एक रिजल्ट जो था वो बचा हुआ था, तो उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, तो कर दिया इसको वेरीफाई, ओके। देखो इसमें नया कुछ नहीं है, आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, सावधानी से करना, मिस्टेक मत करना। यहां पे मैंने इसकी आइडेंटिटी अप्लाई की, इसको हटाया, इधर भेज दिया, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, बोथ साइड स्क्वायर किया, अभी भी रूट में एक टर्म बाकी है, तो उस रूट वाली टर्म को सिंगल रखो, बाकियों को ट्रांसफर कर दो, फिर से स्क्वायर करोगे वो रूट रटेगा, रूट रटने के बाद जो भी टर्म्स आएंगे एक्स की बड़ी पावर में आएंगी, पावर एट तक जा रही है, आपने देखा होगा यहाँ पे, ठीक है, बड़ी पावर वाली कट जाएंगी, तो सोल्व होने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर टू और कॉन्स्टेंट टर्म में आपको टर्म्स मिलेगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को आप वाई से रिप्लेस कर दो, ठीक है, तो y में वो क्वाड्रेटिक बनेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपने इसको सोल्व किया, y की दो वैल्यू आ रही है, y की ये दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। जब y इक्वल वन बाई फोर लोगे तो x की जो वैल्यू आएंगी ये प्लस माइनस वन बाई टू, दो वैल्यू आएंगी, और y की वैल्यू ये लोगे तो x की ये दो वैल्यू आएंगी, कहां पे पुट करोगे, जहां पे आपने एक्स स्क्वायर इक्वल वाई लिखा था वहां पे, ठीक है। जब इसको आप चेक करोगे प्लस वन बाई टू और माइनस वन बाई टू दोनों पे ही, तो दोनों पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती। इसमें जब मैंने माइनस वाले पे चेक किया तो लेफ्ट साइड माइनस की आ रही थी, राइट साइड प्लस की आ रही है, इक्वल नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं है, तो माइनस वाला कैंसिल। अब एक रिजल्ट बचा था रूट थ्री अपॉन टू रूट सेवन, ठीक है, तो उस पे जब मैंने चेक किया, अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट की, तो सोल्व करने पे हमने देखा कि जो लेफ्ट साइड है उसका जो सोल्यूशन है वो वही आ रहा है जो राइट साइड में है, ठीक है। साइन इनवर्स वन अपॉन सॉरी साइन इनवर्स रूट थ्री अपॉन टू आया था, उसका मतलब क्या है, पाई बाई थ्री है, और वही राइट साइड था, ठीक है। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं, तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में ये टेन ये कोस इनवर्स, तो कोस इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो ताकि यहां से एक्स आ जाए, और इसकी वैल्यू आप निकाल लो, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो इसको मैं लेट कर लेता हूं, सपोज थीटा, या फिर एम लेट कर लो इसको, और इसको एन लेट कर लो, ऐसे कर लो, लेट कोस इनवर्स एक्स इक्वल एम, एंड इधर कोट इनवर्स 1 बाई टू इक्वल एन, ये मैंने लेट किया, इनवर्स है ये, तो यहां से x आ गया cos m, और यहां से cot n आ गया 1 बाई टू के इक्वल, ठीक है, ओके, अपॉन वन मान सकते हैं, ठीक है। तो cos क्या होता है, b अपॉन एच, b है एच है, p नहीं है, तो p निकालो, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो cos m अगर ये है, बार tan है, तो tan थीटा बन, टेन एम बनाओ, टेन एम क्या बनेगा, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी, तो पी क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट अपॉन बी एक्स, ओके। एंड यहां से देखो बार कौन है, साइन, तो साइन थीटा बनाओ पहले, तो यहां पे साइन एन बनाओ, होता क्या ये, कोट क्या होता है, बी अपॉन पी, कौन नहीं है, एच नहीं है, तो एच निकालो, एच क्या आएगा, रूट फाइव इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं यहां से साइन एम बनाऊं, साइन एन, तो वो क्या बनेगा, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी क्या है, टू, एच क्या है, रूट फाइव, ठीक है। तो अब देखो इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट बोलूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो टेन इसको आपने क्या लेट किया, एम, तो ये बन गया टेन एम इक्वल साइन, इसको आपने क्या लेट किया, एन, ठीक है। साइन एन की वैल्यू आ गई आपके पास,
टू अपॉन रूट फाइव, यानी इस ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये तो टू अपॉन रूट फाइव फिक्स है ये तो, ठीक है। अब ये जो टेन एम है, ठीक है, तो टेन एम की वैल्यू आपने कैलकुलेट की तो वो क्या आ रही है, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ रही है। ओके, यहां से एक्स को कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो फाइव माइनस मल्टीप्लाई कर ही लो अंदर, फाइव माइनस फाइव एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है और इधर टू एक्स हो गया, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, फाइव माइनस फाइव एक्स स्क्वायर इक्वल फोर एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा नाइन एक्स स्क्वायर इक्वल फाइव, एक्स इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री। अब इसमें से कौन सी वैल्यू ले, प्लस की या माइनस की या दोनों, देखो अगर मैं माइनस फाइव रूट फाइव अपॉन थ्री पे चेक करूं रफ वर्क में आ जाओ तो क्या मिलेगा, देखो एक्स इक्वल माइनस फाइव अपॉन थ्री रूट के अंदर, तो ये बन गया था आपके पास, है ना। तो टेन, चलो लिख लो इसको, टेन और कोस इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री इक्वल, इसके तो फिक्स वैल्यू आ गई ना हमारे पास टू अपॉन रूट फाइव, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये अगर टू अपॉन रूट फाइव आ गया तो माइनस वाला सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, हम ऐसा बोलेंगे, मतलब वो हमारा सॉल्यूशन होगा, हमारा नहीं, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, देखो क्या बनेगा, यहां से माइनस साइन हटाओ तो क्या लिखते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स रूट फाइव अपॉन थ्री, ये रूट ऊपर वाले पे है, अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको हम लिखते हैं माइनस, सॉरी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है, कोस इनवर्स माइनस एक्स फॉर्मेट है तो पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखा है मैंने, ठीक है। इधर क्या है, टू अपॉन रूट पाई, तो टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा यानी कोस इनवर्स रूट फाइव अपॉन थ्री, आपको लगता है इक्वल आ जाएगा, नहीं आएगा, दोनों पॉजिटिव हैं। इसको टेन में कन्वर्ट करोगे, टेन इनवर्स में, टेन से टेन इनवर्स हटेगा, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, लेकिन आगे माइनस है तो इक्वल प्लस का है, तो इक्वल तो नहीं हुए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, प्लस वाले को सेटिस्फाई करवा के देख लो, अगर प्लस वाले को सेटिस्फाई करवाएं तो क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट साइड टेन सेम ऐसे ही करना है, रफ क्यों कर दिया कोई बात नहीं, कोस इनवर्स फाइव अपॉन थ्री, ये रूट ऊपर वाले पे है बस, ठीक है। और इधर है इसकी फिक्स वैल्यू टू अपॉन रूट फाइव, इसको कन्वर्ट करो टेन में, इसको मैंने बोल दिया थीटा, कोस इनवर्स रूट फाइव अपॉन थ्री इक्वल थीटा, तो ये बन गया कोस थीटा इक्वल रूट फाइव अपॉन थ्री, होता क्या है बी अपॉन एच, तो कौन नहीं है, पी नहीं है, क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस फाइव यानी टू, ठीक है। कोस थीटा आ गया बाहर, टेन है, टेन थीटा बनाओ, टेन थीटा पी अपॉन बी टू अपॉन रूट फाइव, ठीक है। तो ये बन गया, इसको आपने थीटा बोला था तो ये टेन थीटा ही तो था, और वो क्या है टू अपॉन रूट फाइव, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई टू अपॉन रूट फाइव, इधर क्या है वही है, तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो अब क्या लिखें, एक वैल्यू पे वेरीफाई नहीं हो रहा ना, तो किस पे नहीं हो रहा, माइनस रूट फाइव अपॉन थ्री, ये रूट फाइव था ऊपर बस। तो अब मैं लिख रहा हूं, सिंस एक्स इक्वल माइनस अंडर रूट फाइव अपॉन थ्री नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर एक्स इक्वल प्लस रूट फाइव अपॉन थ्री इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट बच रहा है और उसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखते हैं तो थर्ड पार्ट को, ये भी सेकंड वाले के तरीके करने हैं। देखो इसको मैं लेट कर रहा हूं थीटा एम और इसको एन लेट कर रहा हूं, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल एम एंड कोट इनवर्स थ्री अपॉन फोर इक्वल एन, तो इसको लिखा मैंने टेन एम इक्वल एक्स अपॉन वन मान सकते हैं, टेन क्या होता है पी अपॉन बी, तो एच निकालो वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। और यहां से कोट एन थ्री अपॉन फोर, कोट क्या होता है बी अपॉन पी, ठीक है, तो एच निकालो नाइन प्लस सिक्सटीन यानी फाइव, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे बार कौन है, कोस है ना, तो कोस एम बना लो, कोस एम, क्योंकि इसको आपने एम बोल रखा है, कोस एम क्या बनेगा, देखो कोस क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी कौन है वन, एच कौन है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां से आप बना लो साइन, साइन एन, वो क्या बनेगा
साइन एन, साइन पी अपॉन एच, तो पी कौन है फोर, एच कौन है फाइव, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो कोस, इसको आपने क्या क्या बोल दिया था, एम कोस एम इक्वल साइन, इसको आपने एन बोल रखा है साइन, इस ब्रैकेट को एन, साइन एन वैल्यू पुट कर दो, कोस एम वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, साइन एन फोर अपॉन फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई फोर इंटू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल फाइव, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड सिक्सटीन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल ट्वेंटी फाइव, ये बन गया 16 अपॉन में भेज दो 25 अपॉन 16, ये प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल 25 माइनस 16 नो 9 अपॉन 16, तो x आ गया प्लस माइनस 3 अपॉन 4। अब प्लस का ले 3 अपॉन 4 या माइनस ले या दोनों ले, तो उसको चेक करो। अगर मैं x इक्वल प्लस 3 अपॉन 4 लूं सॉरी तो 3 अपॉन 4 यहां पे पुट करो क्या बनेगा, देखो कोस टेन इनवर्स 3 अपॉन 4, राइट साइड की तो फिक्स वैल्यू आई आपके पास 4 अपॉन 5, यानी इसको सॉल्व करोगे तो ये आना चाहिए, अगर आ रहा है तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा वरना नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं थीटा लेट कर लेता हूं, टेन इनवर्स 3 अपॉन 4 इक्वल थीटा, तो ये बन गया टेन थीटा इक्वल 3 अपॉन 4, क्या होता है पी अपॉन बी होता है, अच्छा एच क्या आएगा 9 प्लस 16 यानी 5, ठीक है एच आ गया, तो बार कोने कोस है ना तो कोस थीटा बना लो, कोस थीटा वो ये आ जाना चाहिए, कोस क्या है बी अपॉन एच, 4 एच, एच क्या है 5, कोस इसको आपने थीटा बोल रखा है तो कोस थीटा इक्वल ये था ना, तो कोस थीटा की वैल्यू आपने फाइंड की तो वही आ रही है, ठीक है। तो ये स्टेट, ये जो रिजल्ट है हमारा ये बिल्कुल सही है। एक्स इक्वल माइनस 3 अपॉन 4 पे चेक करो, तो ये बनेगा कोस टेन इनवर्स माइनस 3 अपॉन 4 और ये आना चाहिए 4 अपॉन 5, तो कोस टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 5 आना चाहिए, कोस माइनस थीटा ओनली कोस थीटा, ठीक है कोस थीटा, थीटा मतलब टेन इनवर्स 3 अपॉन 4 इक्वल 4 अपॉन 5 आना चाहिए। इसको अभी हमने कैलकुलेट किया और क्या आ रहा था, ये आ रहा था है ना, तो ये स्टेटमेंट मतलब ये रिजल्ट भी ट्रू है, तो दोनों ही ट्रू है इसमें, ठीक है। तो कुछ नहीं लिखना, बस ये प्लस माइनस लगा के छोड़ देना कि दोनों ही रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, ओके दोनों ही ट्रू हैं। तो इसी के साथ जो आपका चैप्टर सेकंड है वो कंप्लीट होता है, ओके।